नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट चंद के राम मिश्रा। जनपद हरदोई के विकास खंड अहिरूरी अंतर्गत ग्राम सभा संताना के माजरा ग्राम बुढ़हरिया निवासी तारानाथ ने कोतवाली बेनीगंज में दिए शिकायती पत्र में बताया, मैंने अपनी बाग के किनारे दो खम्बे गाड़कर तार लगाए थे, जिससे गांव के ही रहने वाले दयाराम पुत्र नन्नू रैदास, पंकज पुत्र दयाराम रैदास, रविन्द्र पुत्र गोगे व हीरा लाल ने मिलकर उखाड़ दिया है। अपने पालतू जानवर मुझप्रार्थी के बाग में जबरदस्ती बांध रहे हैं। इसका विरोध करने पर उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा गाली गलौज की गई, मारने पीटने का भी प्रयास किया गया। प्रार्थी गांव में बहुत ही कम रहता है, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी गण मनमानी करते हैं। 22 अगस्त को इन लोगों के द्वारा मेरे बाग से हरे भरे नीम के पेड़ को भी काटा गया। ये शिकायती पत्र बेनीगंज कोतवाल को दिया गया है। अब देखना होगा कि बेनीगंज कोतवाल इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। कहां से आप आए हैं, क्या समस्या है आपकी? मैं ग्राम भरारिया संदाना मजरा संदाना से आया हुआ हूँ और रेलवे से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और बुजुर्गी में दवा इलाज के लिए हरदोई में मकान बना के परिवार के साथ रहता हूँ। समस्या हमारी ये है, गांव में हमारा जो है करीब लगभग 35-40 साल पुराना मतलब जो है खेत है, उसमें बगीचा लगा हुआ है। उस बगीचे में जो है कुछ गांव के मतलब गांव के जो मौजूदा प्रधान सुरेश और उस अपने आदमियों द्वारा हमको जो है वो करता है, उसके नुकसान करता है और उसके हरे पेड़ मतलब काट लेता है, बाउंड्री वाल उसकी बाउंड्री के खंभे वगैरह उखाड़ करके तोड़ करके तार करके अंदर खूंटे गड़वा के जानवर बंधवाता है। और हमने पुलिस में 2-3 बार शिकायत की, पुलिस ने जा कर के कार्रवाई की, उनके खूंटे वगैरह उखड़वाए, तार उनसे बंधवाए। इसके बाद उन लोगों ने जो है उनके आदमियों ने मिलकर के 4-5 लोगों ने जिसमें सुखलाल पुत्र नन्नू दयाराम पुत्र नन्नू और दयाराम के पुत्र पंकज और वीरेंद्र पुत्र राजेंद्र पुत्र गोगे और हीरालाल पुत्र रामचरण, इन्होंने अभी क्या किया है? इन लोगों ने मतलब हरा पेड़ खड़ा था इसके पीछे बारात घर के पीछे बगीचे के अंदर, उसको इन लोगों ने काट दिया और काट करके मतलब कुछ लकड़ी उसकी गायब कर दी है और उसको किया है और उसको मना किया हमारे घर के कुछ लोगों ने जो वहाँ पर रखवाली करते हैं, तो उनको भला बुरा कहा और मारने पीटने की धमकी दे करके और जो है चले गए। तो आप थाने में गए थे? हाँ, इस बाबत थाने में गए थे, तो थाने से अभी कोई इस संबंध में इसके पहले जो गए थे उस पर कार्रवाई हुई थी, पुलिस गई थी उनको ले करके आई थी, कुछ लोगों को मतलब गए थे, तो अब इसके बाद उन लोगों ने भी जाके इसी के खिलाफ जो है वहाँ हरदोई में जा कर के कुछ प्रदर्शन वगैरह किया। कुछ कल बुलाया है आपको? कल बुलाया है तो कल थाना दिवस में बुलाया है तो वहाँ जाएंगे फिर हम। ठीक है, अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारे